सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा के द्वारा आज रविवार 2 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेरा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि गत वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेने के साथ स्वच्छता का बीड़ा उठाया था। इसको लेकर संस्थान के द्वारा तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल के कार्यवाले अध्यक्ष एसपीएस निम्बाडिया, उप महानिरीक्षक व संस्थान के अधिकारी व अन्य पदाधिकारी के साथ सामुदायिक केंद्र के प्रमुख डॉक्टर देवेंद्र खरे, अन्य चिकित्सक व स्टाफ शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वास्थ्य केंद्र व ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र खरे, अखिलेश शर्मा, संत कुमार शर्मा, अन्य डॉक्टरों के द्वारा एपीएस निम्बाडिया, उप महानिरीक्षक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल के साथ संस्थान के अधिकारियों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। डॉक्टर देवेंद्र खरे ने एपीएस निम्बाडिया का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले दिनों इस नियत दिन से संस्थान के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर एपीएस निम्बाडिया, उप महानिरीक्षक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल ने गांधी जी के जीवन को समस्त प्राणी जगत के लिए दृष्टांत बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी एक महान नेता होने के साथ साथ समाज सुधारक है, मार्गदर्शन करते हुए आए हैं और स्वच्छता के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए उप महानिरीक्षक ने कहा कि स्वच्छता जीवन की कुंजी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, वहीं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के साथ साथ इस दिन को कोविड विजय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य रक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान से हमें कोविड नामक विश्वव्यापी महामारी पर हमने विजय पाई है। इस दौरान एकजुट होकर धरती को स्वच्छ बनाने के लिए भी उन्होंने संकल्प लिया। हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त है, ट्रीटमेंट का पार्ट ठीक है, लेकिन जैसे सिर्फ अस्पताल में ट्रीटमेंट या डॉक्टर से एक अस्पताल नहीं चलता है, वहाँ पर साफ सफाई और भी चीज़ें, क्योंकि कैंपस काफ़ी बड़ा है यहाँ का, इतना बड़ा कैंपस शायद हमारे जिले का है वो भी नहीं है। यहाँ पे व्यवस्थाएं नियमित रूप से नहीं हो पाती थी, लेकिन हमारे DI सर उन्होंने हमारे अस्पताल को गोद लिया, और जब से गोद लिया तो हमारे अस्पताल का एकदम कायाकल्प ही हो गया, चाहे सफाई हो किसी भी मैनर में आप देख लीजिए। आज से जब सर ने हॉस्पिटल को गोद नहीं लिया था, चारों तरफ इवन यहाँ तक गंदगी डली रहती थी, क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारी मात्र 2 थे, तो हम भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे कि आप ये सफाई करो वो सफाई करो, लेकिन सर की मदद से आप देख सकते हो हॉस्पिटल को, जो भी हमारे पत्रकारगण आते हैं वो भी तारीफ करते हैं कि जब से हमारे हॉस्पिटल गोद लिया है काफ़ी हद तक सफाई का स्तर बढ़ा है, और इस सफाई कारण हमको इस वर्ष एक पूरे मध्य प्रदेश में एक कायाकल्प अवार्ड होता है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल को 1,00,000 रुपए से सम्मानित किया गया। इसका मैं पूरा श्रेय हमारे डीआई सर को देना चाहता हूँ, उन्हीं के कारण ये सब संभव हो पाया था। सर के द्वारा हमें 200 गमले दिए गए, सिर्फ गमले नहीं, उनमें पौधे के द्वारा बिल्कुल आज वो पौधे हमारे पास लगे हुए हैं, जो भी आता है हमारे चाहे अधिकारी हो, SP हो, कलेक्टर हो, सब तारीफ करके जाते हैं, बोलते हैं कि करराई जिले में ऐसा अस्पताल है, वहाँ पे इतनी व्यवस्थित सफाई और गमले देखने के लिए मिलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महीने में एक या दो बार सफाई होती हो यहाँ पे, DI सर के सहयोग से हर सप्ताह, जिसमें रविवार जो अपना दिन रहता है, हमारे जो ITBP के जो हमारे जवान हैं बाकायदा नियमित रूप से आते हैं, पूरी साफ सफाई करते हैं, झाड़ियाँ उनकी कटाई छटाई, इवन जो हमारा गार्डन है, गार्डन हमारे पास था लेकिन कोई माली ना होने के कारण व्यवस्थित रूप से नहीं था, आज गार्डन पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से आप पत्थर जो गार्डन हमारे देख सकते हैं, कितना सुसज्जित है हमारा गार्डन, देख के ही मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है गार्डन को देख के, और मैं इसका पूरा श्रेय हमारे DI सर उनको देना चाहता हूँ, धन्यवाद। विधायक डॉक्टर जो पूर्व में आपके यहाँ के इंचार्ज थे वो रहे, और उन्होंने भी कोरोना काल में बहुत बड़ा झटका झेला, यहाँ पे सभी को लेके चले, ITBP में भी इन्हीं के सहयोग से किस प्रकार से हमने अलग अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार किए, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है उसको टेक ओवर किया प्रशासन की सहायता से, फिर हमारे यहाँ जो ट्रेनी जाते थे स्कूल के अंदर ITBP में उनको वहाँ रखते थे, यहाँ से नहीं हुए तो उनकी चिकित्सा वगैरह करते थे, इस प्रकार से एक हमारा बहुत क्लोज आपस में प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है करेरा का और ITBP स्कूल का बहुत एक आत्मिक संबंध बना।
तो उस संबंध का पहला कदम डॉक्टर संत कुमार के द्वारा इनके सहयोग से उठाया गया और मुझे बड़ी हार्दिक एक अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर गर्ग जो बाद में आए आपके द्वारा भी उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया और मैं चाहता हूँ ये लीगेसी जो है ये आगे तक चलती रहे। कल को मैं हूँ या नहीं हूँ ट्रांसफर होता रहता, हमारे भी होगा, बट एक हमारे जो आपस में संबंध जुड़े हैं वो इसी प्रकार से आगे भी चलते रहे। इसका उद्देश्य यही है कि आसपास का जो हमने गोद लेने का सोचा था जब उस वक्त, क्योंकि मुझे पता है कई लिमिटेशंस होती है गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे पास है कुछ चीज़ें आपके पास है, संपूर्ण ना तो आप है ना हम है, लेकिन जो जो चीज़ हमारे पास है उसको मिलाएंगे तो खूब बड़ी चीज़ें हो जाती है। हम ये नहीं कहते हमारे पास सब कुछ है, इसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि प्रदेश सरकार ने इस स्वास्थ्य केंद्र को सब कुछ दिया है, कुछ सीमाएँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास भी कुछ नहीं और हमारे पास भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों को आपस में मिलकर उसको कैसे आगे बढ़ाना है इसके ऊपर कार्य रूपरेखा तैयार की गई और हमने फिर आपसी सहमति के आधार पर ये हुआ कि साहब हम इसको गोद लेते हैं। गोद का मतलब जैसे एक बच्चे को गोद में लेती है एक माँ, उसी का अर्थ ये होता है। तो गमले वगैरह 200 गमलों का टारगेट था, वो गमले तैयार किए गए, हमने पौधे भी लगाए गए। हमारे जो माली हैं वरिष्ठ माली श्री फूल सिंह जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, इन्होंने एक एक गमले को तैयार किया यहाँ।